नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी सौर्य। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से हमारे चैनल डिस्ट्रीम पे, जहाँ पर हम बात करते हैं बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के बारे में। चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, आप सबके चहेते इलॉन मस्क की तरफ से। तो भाई आप सभी को पता होगा, इलॉन मस्क जब भी चर्चे में आते हैं क्या लेकर आते हैं, अपने ट्वीट के जरिए। तो इस बार वो अपने चर्चे में आए ट्विटर के जरिए। तो बोला जा रहा है कि जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ है, उन्होंने बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया है जो कि वो बिटकॉइन को लेकर होगा, और वहाँ पे वो बेसिकली कन्वर्सेशन करेंगे इलॉन मस्क के साथ। और सबसे पहले भाई जैक डॉर्सी सामने आए थे, जहाँ पे उन्होंने ट्विटर के जरिए ट्वीट किया था कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूशन अगर सामने आएंगे बिटकॉइन के फेवर में, तो वो बेसिकली उसको हेल्प करेंगे और स्प्रेड करेंगे बिटकॉइन की डेवलपमेंट को लेकर के। और फिर उसी के बाद इलॉन मस्क ने उस पर रिप्लाई करते हुए कहा है बाई क्यूरियस, और फिर धीरे धीरे करते करते इनके बीच अच्छा खासा कन्वर्सेशन चला है। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट्स डाल दे रहा हूँ, देख लेना। और यही सब जो ट्वीट्स निकल के आई है जो कि काफी ज्यादा अभी वायरल हो रही है, और बोला जा रहा है कि अब ये जो इवेंट है लोग दोनों बात करेंगे उसमें बिटकॉइन को लेकर के। और ये जो इवेंट होने वाला है वो बता दूं आपको, 21 जुलाई को हेल्ड होने वाला है। तो देखते हैं भाई क्या निकल क्या है बिटकॉइन को लेकर के। अगली एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इलॉन मस्क की टेस्ला वाली कंपनी से। तो भाई बोला जा रहा है कि यूएस के एक कस्टमर है जिसका नाम है केविन सैंकमैन, तो भाई उन्होंने स्यूर कर दिया है टेस्ला कंपनी को। और उन्होंने ये सीओडी से किया क्योंकि बोला जा रहा था कि टेस्ला की जो चार्जिंग स्टेशन है वहां पे चार्ज करने के लिए वो पैसा ले रहे हैं, जबकि वो अर्ली एडॉप्टर्स है टेस्ला की कार का। तो भाई उस कस्टमर का कहना है कि टेस्ला वालों ने पहले बोला था कि जो भी हमारे टेस्ला कार के अर्ली एडॉप्टर्स होंगे, मतलब जो सबसे पहले खरीदेंगे, उसको लाइफ टाइम तक फ्री चार्जिंग सर्विसेज मिलेगा। और बेसिकली उन्होंने सुपर चार्जर फीस को लेकर के बेसिकली सीओडी किया है, और वो बेसिकली बोल रहे हैं कि इससे वो जितने भी टेस्ला के अर्ली एडॉप्टर्स है वो सारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई टेस्ला को उन्होंने सीओडी किया, देखते हैं क्या निकल के आता है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों फ्यूल प्राइसेस को लेकर के। तो भाई इसका ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आग की तरह धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। जहां पर हम कल की डेट की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर लगभग 104.22 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है पेट्रोल। और भाई अगर बात करें अपने कैपिटल दिल्ली की, तो दिल्ली में भाई लगभग कल 98.11 रुपए के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। और भाई अगर हम बात करें चेन्नई में, तो भाई चेन्नई में 95.19 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल चल रहा है। और वही अगर हम बात करें भाई कलकत्ता की, तो कलकत्ता में 97.97 रुपए पर लीटर के हिसाब से चल रहा है। और आप सबको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहाँ बिक रहा है, तो मैं बता दूं वो है भोपाल, जो कि अक्रॉस द इंडिया सबसे महंगा पेट्रोल वहाँ बिक रहा है। और वहाँ जो है पेट्रोल का प्राइस वो है लगभग 106.35 रुपए पर लीटर के हिसाब से भाई। और मैं बता दूं कि भोपाल के अंदर ही सबसे पहले 100 का जो मार्क है पेट्रोल के प्राइसेस में वो टच किया गया था भोपाल के अंदर ही, और अभी यहाँ जो पेट्रोल का प्राइसेस है वो सबसे ज्यादा है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों NCAER, जो कि बेसिकली स्टैंड करता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की तरफ से। तो भाई उन्होंने जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको फोरकास्ट किया, और बोला जा रहा है कि वो इंडिया की इकोनॉमी को इस फिस्कल ईयर में लगभग 8.4% से लेकर 10.1% तक रह सकता है। और उन्होंने बेसिकली ये भी पिच किया है कि जो फिजिकल सपोर्ट है वो भी मिलना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ की प्लान को लेकर के, मतलब इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो उसके लिए फिजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए इंडिविजुअल्स को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को, या फिर ऑल ओवर इंस्टीट्यूशंस को, किसी को भी मतलब फिजिकल सपोर्ट के रूप में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तभी जाके इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ पे दिखाएगी हम लोग को। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे टेक सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा की TCS हो गई, इतने सारे जो मेजर मेजर कंपनीज है जो टेक सर्विस के प्रोवाइडर्स हैं, तो वो आज तक हमारे फेसबुक के जैसा या व्हाट्सएप के जैसा या बोलो अमेजोन के जैसा इस तरह की सर्विसेज या फिर इस तरह की एप्स क्यों नहीं बिल्ड कर पाए हमारे इंडिया के अंदर, या फिर जो गूगल है उसके जैसे क्या उसके नजदीक भी कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके पीछे का जो मेन रीजन देखा गया है वो बोला गया है कि लैक ऑफ रिसर्च कल्चर एंड इनोवेशन, मतलब कि रिसर्च जो है, रिसर्च का जो कल्चर है हमारे इंडिया के अंदर, रिसर्च लोग बहुत कम करते हैं और इनोवेशन पर भी काफी कम ध्यान देते हैं। देखा जाए तो जो भी यूएस की मेजर मेजर कंपनीज या फिर अदर कंट्रीज की जो मेजर कंपनीज है उसी को बेसिकली कॉपी करना चाहते हैं लोग। भाई कॉपी से कितना दिन तक आप सर्वाइव कर लोगे, हो ही नहीं सकता है। तो इसी को लेकर के हमारी अगली न्यूज आ रही है, जहाँ पे नैसकॉम ने बोला है कि वो बेसिकली हेल्प आउट करेंगे इंडियन टेक स्टार्टअप को, और बोला जा रहा है कि यूएस की जो मेजर मेजर यूनिवर्सिटीज है उसको वो सामने लाएंगे और इंडियन की टेक स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप करके कुछ बातचीत करवाएंगे, और बेसिकली वो जो ब्रिज का जो गैप है वहाँ पे वो ब्रिज बनाना चाह रहे हैं और उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या होता है हमारे इंडियन टेक स्टार्टअप के साथ इनका जो पार्टनरशिप होने वाला है यूएस की यूनिवर्सिटीज को लेकर, तो देखते क्या निकल के आता है। वैसे मैं बता दूं आपको कि नैसकॉम ने बेसिकली यूएस की कौन सी यूनिवर्सिटीज रहने वाली है, तो उन्होंने बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटीज को अभी तक अप्रोच नहीं किया है और बताया नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल होगी, लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या रिपोर्ट निकल के आता है इसके पीछे। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी फार्मेसी की तरफ से। तो भाई आप सभी को पता होगा कि कुछ समय मैंने पहले न्यूज में कवर किया था कि वो अब डायग्नोस्टिक सर्विसेज चेन जो कि कंपनी है थायरो केयर, उसको एक्वायर करने वाली है 100% 7,000 करोड़ की डील में।
तो भाई अभी न्यूज निकल के आ गई है, लेकिन उसने उन्होंने पूरा एक्वायर तो नहीं किया है, उन्होंने एक्वायर किया इसमें 66.1% का, और उसका जो डील क्लोज हुआ है वो है लगभग 4,546 करोड़ रुपए की। और आप सभी को तो पता ही होगा कि मैंने न्यूज में कवर किया था कि फार्मेसी ने हाल ही में मेडलाइफ को भी एक्वायर किया है। बेसिकली उनका जो अमाउंट था उसमें वो बताया नहीं गया था, अनडिस्क्लोज था, लेकिन एक्वायर जरूर किया था। और उनका जो पेरेंट कंपनी है एपीआई होल्डिंग्स, उसका भी आज भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में मैंने काफी बताया था आपको। और अपने अगर न्यूज वगैरह आप नहीं फॉलो करते तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि फॉलो करो, तभी आप अपडेट रह सकते हो रेगुलरली बेसिस पे। बाकी देखते हैं भाई इनका जो एपीआई होल्डिंग्स का आईपीओ आने वाला है, जो इनकी पेरेंट कंपनी है फार्मेसी की, तो कितना बड़ा हिट होता है और ये कब तक आता है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की गैप को फुलफिल करने वाले फेडरल बैंक की। तो भाई आप सभी को पता होगा कोविड का जो टाइम चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ी है, और वहीं पे फेडरल बैंक की अगर बात करें तो भाई फेडरल बैंक ने एक अच्छा काम किया है, जहाँ पे वो 400 odd पार्ट टाइम जॉब्स प्रोवाइड किए हैं केरला के अंदर, और उनकी जो केरला वाली ब्रांच है बोला गया है कि उन्होंने लगभग 18,000 पर मंथ के हिसाब से वहाँ पे लोगों को हायर किया गया है, और लगभग 400 पार्ट टाइम जॉब उन्होंने दिया है। और बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने ये 400 लोगों की हायरिंग की है, वो लोगों को मतलब कि वहाँ की जो क्राउड होती है केरला के ब्रांच पे उसको ये मैनेज करने का काम करेंगे, सैनिटाइजिंग करने का काम करेंगे, और मतलब जो भी COVID-19 से रिलेटेड नॉर्मल्स होंगे उसको बेसिकली वो हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। और भाई देखा जाए तो केरला के अंदर जो इनका ब्रांच है फेडरल बैंक का, तो वो भाई अच्छा काम कर रहा है। अगली एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों केरला से रिलेटेड ही, तो भाई यूएई की एक फर्म है एरिस ग्रुप, जिनके सीईओ का नाम है सोहन रॉय। तो भाई उन्होंने अपनी कंपनी में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जहाँ पे वो बोल रहे हैं एंटी डॉरी पॉलिसी। और इस पॉलिसी के भीतर क्या होगा, तो पॉलिसी के भीतर यही होगा कि कोई भी उनके एम्प्लॉयज जो कि पहले से इंडल्स है कंपनी के साथ, देखा जाएगी क्योंकि वो इलीगल प्रैक्टिसेस तो नहीं किए हैं डॉरी को लेने या देने के मामले में, और उनके फ्यूचर में कोई भी अगर एम्प्लॉयज वो ज्वाइन करते हैं इस कंपनी के अंदर, तो उसके साथ भी देखा जाएगा कि उन्होंने डॉरी का लेन देन तो नहीं किया है, मतलब कि लेना भी मना है और देना भी मना है। बेसिकली ये एंटी डॉरी पॉलिसी उन्होंने इसलिए चलाया है। और मैं बता दूं आपको कि ये न्यूज़ केरला से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि सोहन रॉय जो कि इस कंपनी के सीईओ है वो भी केरला से ही बिलोंग करते हैं, और हाल ही में केरला के अंदर देखा गया है कि डॉरी को लेकर 3 deaths हुई है बेसिकली। तो भाई डॉरी का जो सिस्टम चल रहा है हमारे इंडियन कल्चर में वो बहुत ज़्यादा है, और कहीं कहीं तो ये इतना हद तक पहुँच जाता है कि लोग हिंसक हो जाते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और इसी को देख करके एरिस ग्रुप के जो सीईओ है सोहन रॉय जी, उन्होंने ये अपनी कंपनीज के लिए ये फैसला लिया है। और मैं बता दूं आपको कि इनका यूएई का जो फर्म है सिर्फ यूएई में नहीं है, ये अलग अलग 16 कंट्रीज में इनका अलग अलग ब्रांचेज है, और सारे ब्रांचेस पे ये इनका जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेजर कंपनी ट्राइटन ईवी की तरफ से, तो वो भाई बोल रहे हैं कि अभी अपना वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैठाने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं तेलंगाना के अंदर, और बोला जा रहा है कि वो लगभग 5 साल के भीतर $1.5 billion का इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर, और जो कि लगभग इसको अगर INR में कन्वर्ट करें तो वो लगभग हो जाता है 2100 करोड़ रुपए, और बोला जा रहा है कि इसमें वो लगभग 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के परस्पेक्टिव से, और साथ ही साथ हमारे जो इंडियन स्टेट है तेलंगाना की परस्पेक्टिव से। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारे चैनल का मोटिव भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अवेयरनेस फैला सकें, तो चैनल को हेल्प करने में और ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।